एक मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आ, कर्मों के हिसाब से जैसे आपने बोला कि स्वर्ग और नरक भोगने पड़ते हैं स्वर्ग तो हम सब समझ गए अच्छी अच्छी चीजें होंगी वहाँ पे, पर नरक थोड़ा फैसिनेट करता है और इसके बारे में आप ही ने बताया कि गरुण पुराण में बहुत डिटेल में है और गरुण पुराण कहा जाता है कि सिर्फ जब वो क्रियाक्रम हुआ है इंसान का उस समय ही पढ़ा जाता है आमतौर पर लोग उसे पढ़ने से हिचकिचाते हैं क्यों हिचकिचाते हैं वही तो प्रॉब्लम है ना मैं एक बात यहां बोलना चाहूंगी हमारे भारत में एक बहुत ही मुझे लगता है नेगेटिव चीज है और वो ये है कि हमने ना मृत्यु को एक अपशगुन बना रखा है घर में कोई खेलता खेलता बच्चा भी मरने की बात कर जाए तो मां बाप क्या कहते हैं अरे शुभ शुभ बोल तो बच्चे के मन में क्या बैठ गया मृत्यु मतलब अशुभ मृत्यु की घर में बात नहीं करनी इसलिए कभी भी कोई मृत्यु की तैयारी नहीं करता है मरने की तैयारी होती है जैसे जीने की तैयारी होती है घूमने जा रहे हैं दस दिन के लिए बैग पैक कर रहे हैं मरने की भी अपनी एक तैयारी होती है मैं हमेशा कथा में एग्जाम्पल देती हूँ जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है बच्चे को एक महीने का होमवर्क देते हैं तो अब होमवर्क दो तरह के स्टूडेंट होते हैं एक वो जो पहले दिन से काम पे लग जाते हैं कि पहले काम कर लो फिर पंद्रह दिन छुट्टी मनाएंगे एक होते बैक बेंचर्स जो पूरा महीना मौज मस्ती करेंगे और जब लास्ट अगले दिन जाना होगा तब वो कॉपी पेन खोलेंगे कि चलो काम करते पर एक दिन में काम होता नहीं फिर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाएंगे तो जानबूझ के टीचर से छुपेंगे पीछे बेंच पे मुंह छुपा के बैठेंगे दिख ना जाए कहीं कौन डरता है जिसका होमवर्क पूरा ना भगवान ने हम सबको भी दुनिया में ना किसी को अस्सी साल की छुट्टी पे भेजा है अस्सी साल का जीवन है किसी को सात साल की छुट्टी हो लेकिन फ्री में नहीं भेज दिया एक होमवर्क भी दिया है तुमको अच्छे कर्म करने हैं तुम्हें सेवा करनी है तुम्हें भजन करना है अब जो समझदार इंसान होगा ना वो जीवन की शुरुआत से ही का होमवर्क पूरा करने में लग जाएगा लेकिन जिसका होमवर्क पूरा नहीं होगा वो मरने से डरेगा क्योंकि उसे पता है होमवर्क पूरा नहीं क्या मुंह दिखाऊंगा वहां जाके इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं और हमने मृत्यु की कभी तैयारी नहीं की कभी ये नहीं सोचा कि मरने के बाद हमको स्वर नरक अच्छा बुरा चलो स्वर नरक भी छोड़ दीजिए हम मनुष्य ही बने हम अगला जन्म धरती पर ही ले रहे तो भी कहाँ जाएंगे कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ पर हमको जन्म लेना पड़ेगा मृत्यु के बाद कोई तो यात्रा होगी तो उसके लिए हमें थोड़ा सा घर परिवार में मृत्यु के बारे में जरूर बात करनी चाहिए मृत्यु अपशगुन बिल्कुल नहीं है मृत्यु भगवान से मिलने का एक बहुत बड़ा तरीका है कबीर बाबा ने कहा है कि मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद कब मरूंगा और कब उस पूरन परमात्मा से मिलूंगा तो मुझे तो आनंद है कि मृत्यु आएगी और मैं जाऊं बात रही नरकों की गरुड़ पुराण सबको पढ़ना चाहिए भले घर में आप नॉर्मल परिवार में बैठ करके उसको पढ़िए भागवत जी में भी कहीं कहीं नरकों का वर्णन आता है एक सुखदेव जी ने सुनाई है अट्ठाईस प्रकार के भागवत में नरक लिखे गरुड़ पुराण मैंने पूरी तरीके से नहीं पढ़ी बीच बीच के पार्ट्स पढ़े हैं और उसको मैंने भागवत जी से रिलेट किया तो लगभग सेम है नरक अट्ठाइस प्रकार के हैं और जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसे नर्क मिलते हैं रौरव नर्क तामिश्र नर्क मिश्र नरक ये सूचीमुख नरक कालमुख नर्क ये सब नर्क, नर्क, नर्कों की अलग अलग कैटेगरीज हैं झूठ बोलोगे उसका अलग नर्क है किसी पराए का धन चुराओगे किसी का हक चुराओगे उसका है इवन आप किसी चीटी को पशु को मारोगे नॉन वेज खाओगे उसके लिए नरक है हर एक चीज़ के लिए नरकों का विधान है उसमें दंड व्यवस्था और नरकों की एक स्पेशलिटी और ये और है ये भी सबको जान लेनी चाहिए नरक में सिर्फ हमें भोगने के लिए डाला जाता वहाँ मरना मृत्यु नहीं होती आधा शरीर भी कट जाएगा गला भी कट जाएगा तो गला अलग घूमेगा ये अलग पर मरेंगे नहीं क्योंकि नरक मतलब तुमने जो किया उसको भुगतो अब हाँ पर तुम मरोगे नहीं चीखोगे चिल्लाओगे भागोगे पर तुमको मौत भी नसीब दर्द ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पे होता है पर मरोगे नहीं मरोगे नहीं बस तड़पते रहोगे तड़पने के लिए ही आपको वहां भेजा गया ताकि तुम्हारी बुद्धि थोड़ी स्ट्रेट हो कि नहीं मैंने गलत किया था और अब नरकों के बाद हो सकता है फिर से मुझे जीवन मिले हमारा ये जो जीवन है ये कोई एक बार मनुष्य बन गए ऐसा नहीं है हम कितने युगों से ये जो भीतर सोल जो आत्मा चलती आ रही है कपड़े बदलती जा रही है तो कभी हम ऐसा नहीं मैं यहां बैठी हूँ आप यहाँ बैठे हम कभी नरक नहीं गए होंगे या स्वर्ग हो सकता है स्वर्ग भी हो नरक भी गए हो कहाँ कहाँ भटके हो भागवत जी में लिखा है एक आत्मा चौरासी लाख योनियों में भागती है तब जाके उसको एक चांस मिलता है ह्यूमन बॉडी इट मीन्स कि अब आपके पास चांस है यहां से एग्जिट लेने का ह्यूमन बॉडी मतलब एग्जिट का रास्ता है अच्छे कर्म करो और भगवान को पालो पर उसको भी हम मिस कर देते हैं और गलत चीज झूठ में अत्याचार में उन सब में लगा के इसको भी वेस्ट करते हैं